और 21 जून को विश्व योग दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। इस संबोधन में प्रधानमंत्री योग के महत्व पर भी बात करेंगे। योग दिवस एक ऐसा मौका है जब पूरी दुनिया खुद को स्वस्थ रखने के लिए इसे सेलिब्रेट करती है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में योग का महत्व बहुत बढ़ भी गया है और जिम के तर्ज पर दुनिया भर में योग स्टूडियोज खुल रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसे अपना रहे हैं। हर दिन खुद पर आधा एक घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं और इसीलिए भारी भरकम व्यवस्था भी नहीं चाहिए। 6 फिट बाय 6 फिट के छोटी सी जगह पर आसानी से योग किया जा सकता है। अब तो ऐसे ऐसे आसन जो विशेषज्ञ हैं वो बता चुके हैं, जिसमें आप ऑफिस में बैठे हुए किसी यात्रा पर अगर हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, किसी दुर्गम स्थान पर हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो योग बहुत ही आसान रूप में भी किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे क्लिष्ट आसनों के साथ ही करें। यह घर पर, ऑफिस में, कहीं पर भी आसन करके खुद को आप स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम योग दिवस से पहले बात करेंगे योग के महत्व को, जानेंगे कि हमें कैसे स्वस्थ रखने में मददगार रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तो पूरी दुनिया योग करेगी, लेकिन जी बिजनेस पर ये मुहिम हम 2 दिन पहले ही शुरू कर रहे हैं और इस पर मार्गदर्शन के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। जानी मानी योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा हमारे साथ हैं। प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम बात ही कर रहे थे, इस बार का जो योग दिवस है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है, यानी कि धरती ही परिवार है और इस पूरी की पूरी धरती को सुरक्षित रखने के लिए, साथ रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए जो एक सूत्र हमें मिला है वो है योग। योग का अर्थ ही जोड़ना भी है। लेकिन यहां से शुरुआत करते हुए एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम इंसान के लिए अगर योग की महत्ता पर हम बात करें तो कितनी ये जर्नी हमारी सकारात्मक रही है और अभी कितना लंबा सफर हमें और तय करना है योग को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध पहचान दिलाने के लिए। जी बिल्कुल, कितना सुंदर प्रश्न आपने किया और इतनी सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या भी कर दी। और अगर हम बात करते हैं पूरे विश्वमय, यानी पूरा विश्व योगमय हो जाए तो योग भारत की देन है और आज पूरा विश्व तो बाहें फैला करके योग को अपना ही रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि हम भी थोड़ा अपनी जड़ों की तरफ जाएं, क्योंकि योगी लोग तो कंदराओं में बैठ करके बहुत समय से तपस्या कर रहे थे, पर किसी भी कार्य को रिकॉग्निशन सत्ता देती है और आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो जानते हैं कि वो योग की संस्कृति के देश के हैं, जो चाणक्य की संस्कृति के देश के हैं, जो योगेश्वर कृष्ण योगीराज शिव की संस्कृति के देश के हैं। और योग को हमने एज अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टूल, योग को समाज में एक परिवर्तन लाने का माध्यम के रूप में हमने आज देख रहे हैं विश्व भर में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नरेंद्र तब निकले थे विश्व भर में योग का परचम लहराया, उसे उन्हें विवेकानंद जी के नाम से जाना, और एक नरेंद्र आज निकले और उन्हें नरेंद्र मोदी जी के नाम से हम जान रहे हैं। और ये कितनी सुंदर बात है कि पहली बार ऐसा हमारे इतिहास में हो रहा है कि योग दिवस जो है वो यूएन में मनाया जा रहा है। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने भी, आपने कहा ना योग का जो अर्थ है वो ही है मिलन, तो यूनाइटेड नेशंस यानी यूनाइट करना, देशों को यूनाइट करना, वर्ल्ड को यूनाइट करने का काम भी योग करता है। एक आम आदमी के लिए तो योग का महत्व उतना है जितना किसी भी चीज का नहीं है। दीपक जी, आप बैठ करके परफेक्शन के साथ एंकरिंग कर रहे हैं, ये योग ही है, क्योंकि योगा कर्मसु कौशलम। हम जो भी काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं परफेक्शन के साथ करें। और शास्त्रों में कहा गया पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है निरोगी काया। अगर ये काया ही अस्वस्थ हो जाएगी और भीतर बैठा मन अस्वस्थ हो जाएगा तो हमारा जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप एक परफेक्शनिस्ट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप एक परफेक्शनिस्ट माँ बनना चाहती हैं यानी घर को देखना चाहते हैं, बच्चों को देखना चाहते हैं, आप एक परफेक्ट राजनेता बनना चाहते हैं, आप जीवन में जो भी कुछ परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, आपको योगमय होकर के ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कर्मसु कौशलम भी कहा जाता है योग के बारे में, और कहा भी जाता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से ये उद्धृत है। हम पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करेंगे 21 तारीख को, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक बिगिनर के लिए, एक आम आदमी के लिए, प्रतिष्ठा जी कहाँ से शुरुआत करें योग के बारे में? बहुत सारी
जागरूकता बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन योग के बारे में उतनी भ्रम की स्थितियां भी हैं। तो एक आम आदमी कहां से शुरू करे, इसकी शुरुआत कहां से हो प्रतिष्ठा जी? बहुत बढ़िया, और यहाँ हम कुछ ऐसी क्रियाएं कर भी लेते हैं, क्योंकि जब आप योग की बात कर रहे हैं और हम करें ना उन अभ्यासों को तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो बहुत सरल सी क्रियाएं हम प्रतिदिन अपने अभ्यास में ले सकते हैं, जिसमें से कि एक बहुत आसान अभ्यास दीपक जी प्रत्येक व्यक्ति दिन का आरंभ इसके साथ कर सकता है। एक हाथ को हम सीने पर रखते हैं, एक हाथ को हम पेट पर रखते हैं, और यहाँ रख करके 3 बार लंबा गहरा सांस लेना। यानी पहले जब आप सांस भरें तो पेट फूल जाए, दूसरा जब आप सांस भरें तो आपका सीना उन्नत हो जाए, और इसी तरह से जब सांस छोड़ें तो पेट संकुचित हो जाए, फिर सीना संकुचित हो जाए। हम अपने दिन का आरंभ, क्योंकि हम तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाली संस्कृति के हैं, पर अभी कराग्रे वस्ते मोबाइल फोन हो रहा है, तो शुरू का 1 घंटा हम स्क्रीन लेस हो जाएं और सिर्फ इस तरह से सीने पर और पेट पर हाथ रख के ब्रेथ अवेयरनेस के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। और 1-2 मिनट का ध्यान का अभ्यास, 3 बार लंबा गहरा सांस लेना, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में धन्यवाद का भाव, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस नई सुबह के लिए। आज न जाने कितने लोगों को ये सुबह देखने को नहीं मिली, मुझे मिली, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद इस श्वास के लिए जो मेरे पास है, और इस ग्रेटफुलनेस के साथ हम अपने दिन का आरंभ करें। फिर दीपक जी 5 बार योग अट्टाहास। भारत योग में आपको ये जानकर हर्ष होगा कि मोक्षायतन योग संस्थान, जो आज देश की लीडिंग योग ऑर्गेनाइजेशन है, हम पहली ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया, सरकार को सुपुर्द किया, और हमने मिलियंस ऑफ लोगों को हील किया। और उस कोविड प्रोटोकॉल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो था अट्टाहास, यानी मुक्त हास, यानी पेट को ढीला छोड़ दे, सीने को ढीला छोड़ दे, दोनों बाहें फैलाकर 1-2 ऐसा हम कम से कम 30 सेकंड्स तक करें, हाथों को वापस ले आए और इस हास को अपने ऊपर बरसने दें। क्योंकि हम जो भी कुछ दुनिया को देते हैं वो लौट कर आता है। आप स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे, चिंता देंगे, कुंठा देंगे, क्रोध देंगे, तो वही लौट कर आएगा। आप हास देंगे, आनंद देंगे, प्रेम देंगे, योग देंगे, तो वही लौट करके आएगा। तो हम जब हास देते हैं तो ये हास हमारे ऊपर बरसता है। ये छोटा सा अभ्यास इंस्टेंटली हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, इंस्टेंटली हमारे शरीर में ऑक्सीजन के इनटेक को बढ़ा देता है। 2000 स्टेप्स ऑफ वॉक जितनी कैलोरीज बर्न होती हैं अगर दिन में 5 बार आप ऐसा करते हैं, और जो निंदा रस हम करते हैं और दुखी रहते हैं और तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उन सब से हमारी मदद करता है उनसे बाहर निकालने की। और तीसरा अभ्यास जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज कर रहे हैं ना आजकल, हर व्यक्ति स्क्रीन पर काम कर रहा है, चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफिस का काम हो रहा है, तो इसी अवस्था में बैठे बैठे एक बहुत सरल सा अभ्यास हम लेते हैं। यानी इस तरह से बैठे और दिन में जितनी भी देर आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं, हर 20 मिनट्स के बाद अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाना है और इस तरह से दूर देख करके ऐसे अपनी आंखों को ब्लिंक करते जाएं, 30 सेकंड्स तक अपनी आईज को ब्लिंक करना, और फिर पामिंग, अपनी हथेलियों को आंखों पर टिका देना। थोड़ी देर ऐसे रुकेंगे, फिर हथेलियों को आंखों पर से हटाया एंड यू आर रेडी फॉर योर फर्दर वर्क, यानी आगे का काम आप कर सकते हैं। ये 3 सरल से काम अगर प्रत्येक व्यक्ति दिन में कर ले, और कुर्सी का मोह छोड़ दे, कुर्सी का मोह बहुत बुरा होता है, तो जब आप दफ्तर में भी कुर्सी में बैठे हैं, हर 20 सेकंड के बाद, ज्यादा से 20 मिनट के बाद कुर्सी से उठिए, कुर्सी के आसपास ही 30 सेकंड्स वॉक कीजिए, फिर वापस आइए, फिर काम करने लगिए, आपका फैट लॉस होगा, आपका हार्ट रेट बेटर रहेगा, आपको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होगा, आपके स्पाइनल टेंशन दूर होगी, और तनाव से, मानसिक रोगों से आप दूर रहेंगे। ये वो सरल से, आपने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा ना कि योग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ विज्ञान है बहुत बड़ा, लेकिन एक छोटे से बच्चे को दीपक जी योग से ज्यादा नेचुरल कुछ नहीं है। हम तो आपकी भूमिका से ही बड़े प्रभावित हो गए। आपने कितनी अच्छी बात कही, जितनी आपकी हाइट है उतनी जमीन चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई हमें एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए, और अगर वो भी नहीं है तो आप कुर्सी पर बैठ कर या खड़े खड़े भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है। एक छोटे से बच्चे को अगर आप कमर के बल लिटा दें तो वो स्वतः अपने पैर का अंगूठा चूसने लगता है, बालकृष्ण आसन की स्थिति में आ जाता है। उसे पेट के बल लिटा दीजिए, वो स्वतः भुजंगासन की स्थिति में आ जाएगा। तो योग से ज्यादा नेचुरल जीवन में कुछ नहीं है, और हम भारतीयों के डीएनए में योग है,
बस हमें दिन में 15 मिनट 20 मिनट अपने व्यस्त शेड्यूल से निकालने हैं, एंड ये आधा घंटा योग साधना का बचे हुए 23.5 आवर्स को 48 आवर्स में कन्वर्ट कर देगा, डबल कर देता है हमारी वर्किंग कैपेसिटी को। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई हो ही नहीं सकती जहां आपका समय दुगना हो जाता है। तो हर व्यक्ति को योग करना चाहिए, योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। कितनी सुंदर बात आपने कही कि योगी बनेंगे तो सहयोगी बनेंगे और उपयोगी भी बनेंगे और निरोगी भी बनेंगे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त यही है, और आपने जो वो अट्टहास और वो जो हास्य और जो हंसी का एक पुट दिया योग के माध्यम से, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हर जगह इतना स्ट्रेस है, हर जगह इतनी नेगेटिविटी है कि हम बाकी सारी चीजों को याद रखते हैं लेकिन हंसना भूल गए हैं। तो ये शांति, संतुष्टि, आपका बाह्य, आपका आंतरिक, हर तरह से संतुष्टि के लिए योग बहुत जरूरी है। इसीलिए बाह्य जगत और आपके आंतरिक जगत को योग जोड़ता है। अब बस आपको दृढ़ता से जीवन में से आत्मसात करना है, उसकी शुरुआत जी बिजनेस के साथ कर लीजिए। बहुत कम समय में आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा ने हमें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बताया कि कैसे आप योग की शुरुआत कर सकते हैं। उनके साथ हम लगातार आपके बीच में ये सेशंस लाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद।